MSPM ग्रुप महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत। अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 9271526128 या 9168901429। पता: सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वड़गांव वार्ड, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। विदर्भवादी और राष्ट्रीय ओबीसी नेता प्राचार्य डॉक्टर अशोक जितोड़े और भद्रावती के मनसे के पिछले विधानसभा के उम्मीदवार रमेश राजुरकर ने भाजपा में कल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राज्य के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में प्रवेश लिया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाय बेचने वाला सामान्य घर का लड़का आज देश का प्रधानमंत्री है और देश का दुनिया में गौरव बढ़ा रहा है। इससे बड़ा ओबीसी का सम्मान और क्या हो सकता है। आज तक सरकार में इतने ओबीसी प्रवर्ग के मंत्री नहीं थे जो वर्तमान मंत्रिमंडल में है। भाजपा ओबीसी को उचित न्याय दे रही है। भाजपा की डीएनए में ही ओबीसी है। इस समय फडणवीस ने जितोड़े से कहा कि आप ओबीसी के लिए जितनी मेहनत और लगन से काम करते आ रहे हैं उसके लिए भाजपा ही आपके लिए उचित पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहते और देश में मोदी रहते जितने निर्णय ओबीसी के लिए हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। बहुजन समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम भाजपा कर रही है। राकापा में सिर्फ ओबीसी चेहरे दिखाने के लिए है लेकिन ओबीसी चेहरे को कोई पद नहीं देते। आपके आने से ओबीसी को न्याय देने का काम करेंगे। इस दौरान अपने प्रवेश पर बोलते हुए डॉक्टर अशोक जितोड़े ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनके कार्य को न्याय नहीं मिल रहा और भाजपा पूरी तरह से ओबीसी वालों का साथ दे रही थी, इसलिए मैंने भाजपा प्रवेश का निर्णय लिया। इस समय पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, पूर्व मंत्री शोभा फडणवीस आदि उपस्थित थे। आगे बोलते हुए डॉक्टर जितोड़े ने कहा कि जिले में शैक्षणिक क्रांति लाने का काम जितोड़े गुरुजी ने किया। 100% समाज कार्य करने पर ही 100% राजनीति में सफलता मिलती है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस का ओबीसी कल्याण और विदर्भ विकास की ओर विशेष ध्यान होने के चलते ही मैंने भाजपा में प्रवेश किया। पालक मंत्री मुनगंटीवार ने भी बड़े पैमाने पर जिले में निधि विकास के लिए लाई है। आज माझा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश झाला आहे आणि या प्रवेशाच्या निमित्ताने या मंचावरील सर्व मान्यवरांना माझं एवढंच सांगणं आहे की या जिल्ह्यामध्ये शैक्षणिक क्रांती घडवून आणण्याचं खरोखरचं श्रेय स्वर्गवासी श्री हरी जितोड़े गुरुजींना जाते। जितोड़े गुरुजीबद्दल खूप कमी लोकांना आजही माहीत आहे की जितोड़े गुरुजी शिक्षण संस्था काढल्या आणि राजुराचे आमदार होते। परंतु बाकी थोडासा इतिहास मी 2 लाईनमध्ये स्पष्ट करू इच्छितो। मित्रांनो, जितोड़े गुरुजी समाजकारणातून राजकारणात त्यांना यावं लागलं। 1967 ते 72 ते आमदार होते, आमदार अपक्ष होते आणि या आमदारकी लढण्यामागचं खरं कारण थोडं वेगळं आहे। 1963 जसजसा या संस्थेचा विस्तार होत गेला तत्कालीन सरकारने 1963 जितोड़े गुरुजींच्या पूर्ण संस्थेचा रेकॉर्ड सीज केला, कोर्ट रिसिवर या संस्थेवर बसवला आणि तो रिसिवर, कोर्ट रिसिवर 1963 ते 1983 होता। एक जिद्द, एक लढण्याची क्षमता तत्कालीन सरकारविरुद्ध म्हणून ते राजकारणात आले, लोकप्रिय झाले आणि अनेक बहुजन समाजाच्या कार्यात ते यशस्वी देखील झाले। या संस्थेत अगोदर ॲग्रिकल्चर कॉलेज, BMS कॉलेज आणि शाखांचा अतिशय फार मोठा विस्तार होता। आजही या संस्थेने घडविलेले विद्यार्थी या मंचावर देखील मान्यवर आपल्याला दिसून येतात आणि खरोखर एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचं नाव घेतो म्हटलं आपण तर आदरणीय मोहनजी भागवत साहेब याच महाविद्यालयातून प्री सायन्स करून पुढच्या शिक्षणासाठी ते नागपूरला गेले। अनेक राजकीय नेते, अनेक इंजिनियर, अनेक डॉक्टर या संस्थेने अनेक राजकीय
विचारसरणीचे लोकसुद्धा या जनता महाविद्यालयातून घडलेले आहेत. मित्रांनो, 1957 हे महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयाची पायाभरणी 15 डिसेंबर 1958 रोजी या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय त्यावेळेसचे बॉम्बे स्टेटचे मुख्यमंत्री आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी इथं पायाभरणी केली आणि आज खऱ्या अर्थाने त्यावर आणि ओबीसी समाजावर कळस चढवण्यासाठी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्याबद्दल सर्वांतर्फे मी त्यांचं स्वागत करतो. माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे जुतोडे साहेबांचा आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश होतोय हे आपल्या सगळ्यांकरता अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करावं, अभिनंदन करावं. खरं म्हणजे अशोक भाऊ, तुमचं या ठिकाणी स्वागत करताना मी एवढंच म्हणेन की हुजूर आते आते बहुत देर करते. तुमच्या करता, तुमच्या विचारा करता, तुमच्या कार्या करता सर्वोत्तम पक्ष जर कुठला असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. आज खऱ्या अर्थानं ज्या ओबीसी समाजाकरता तुम्ही सातत्याने इतके वर्ष काम करताय, देश गौरव, भारताचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांच्या रूपानं एक चहा विकणारा सामान्य ओबीसी घरचा मुलगा आज देशाचा पंतप्रधान म्हणून संपूर्ण विश्वामध्ये भारताचा तिरंगा फहरवतो आहे, यापेक्षा मोठा ओबीसीचा सन्मान काय असू शकतो. आपण सगळ्यांनी काल देखील बघितलं अमेरिकेमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती आणि सगळे खासदार ज्या प्रकारे मोदीजींचं स्वागत करत होते, ज्या प्रकारे मोदीजींच्या व्यक्तिमत्वामध्ये विस्मयचकित दिसत होते, त्यातून खऱ्या अर्थानं मोदीजींचा मान वाढला तर वाढलाच, पण मोदीजींपेक्षाही भारताचा मान वाढलेला आपण सगळ्यांनी काल बघितला. आणि आज मला हे सांगताना आनंद वाटतो की देशाच्या मंत्रिमंडळामध्ये आज जेवढे ओबीसी मंत्री आहेत यापूर्वीच्या कुठल्याही मंत्रिमंडळामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालं नव्हतं. हाही एक ओबीसी मंत्र्यांचा रेकॉर्ड हा मोदीजींच्या मंत्रिमंडळाने पूर्ण केलेला आहे. मी याकरता सांगतोय की तुम्ही योग्य अशा पक्षामध्ये आला आहात. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए. अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है, टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज संस्थान और छात्रवास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रवास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा. हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाते हैं. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 9271526128 या 9168901429. पता: सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वड़गांव वार्ड, चंद्रपुर. चंद्रपुर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज सौम्या पॉलिटेक्निक, कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन.
कई वर्षों से 100% रिजल्ट की परंपरा जारी। एक्सीलेंट पॉलिटेक्निक इन चंद्रपुर बाय MSBTE, SC ST NT BJS BC और DT के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत प्रवेश मुफ्त। उसी तरह OBC, ओपन माइनॉरिटी और EBC के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत 50% छूट। विद्यार्थियों के लिए भव्य लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, जिम, कैंटीन, AC हॉस्टल, स्विमिंग पूल, खुला मैदान, बस सर्विस और भरपूर स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज। सो टेक एडमिशन टुडे इन 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग। इसके अलावा BSNL, महावितरण, टाटा और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट। सौमया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अ वेंचर ऑफ महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, आकाशवाणी रोड, वड़गांव, चंद्रपुर। रविवार दिनांक 25 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कल जो एक ट्वीट में उद्धव ठाकरे को रिप्लाई किया था उस पर मिले प्रतिसाद से मुझे लगता है कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे को ये समझना चाहिए कि लोग क्या चाह रहे हैं। हर जगह लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं, लोगों को मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। वहीं आगे बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब के वंशज महाराष्ट्र में कहां से आ गए और देश में किसी में औरंगजेब का खून नहीं है, यहां तक कि जो यहां के मुसलमान है वो औरंगजेब के वंशज नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय मुस्लिम भी नहीं मान सकता। इसलिए जल्दी ये बात सामने आ जाएगी कि जो लोग यहाँ ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं उनके वंशज कौन है। उन्होंने आगे बोलते हुए ऐसे अनेक बड़े बयान दिए, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उद्धव ठाकरेंनी ज्या पद्धतीने तुमच्यावर आरोप केले आहे, महाराष्ट्रामध्ये यापूर्वी अशा पद्धतीचे आरोप झाले नव्हते। संस्कृती कुठे चालली आहे, संस्कृती महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृती, मला असं वाटतं की त्यांनीच याचा विचार केला पाहिजे। पण मला असं वाटतं की काल मी त्याला एका ट्विटनी जे उत्तर दिलं त्याला मिळालेलं जे समर्थन आहे, मला असं वाटतं की आजपर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड तुटलेले आहेत। त्याच्यामुळे त्याच्यावरनं तरी उद्धवजींनी समजून घेतलं पाहिजे की लोकांना काय अपेक्षित आहे। भाजपला समर्थन वाढत आहे, अनेक पक्षप्रवेश होत आहे, आजही पक्षप्रवेशाच्या सगळीकडेच पक्षप्रवेश आहे, कारण शेवटी मोदीजींच्या नेतृत्वावर लोकांचा प्रचंड विश्वास आहे। आणि आत्ताच लोकांनी अमेरिकेची व्हिजिट बघितली, भारताच्या एका राष्ट्रप्रमुखाला अमेरिकेमध्ये असं समर्थन मिळणं हा त्या व्यक्तीचा सन्मान नाही आहे, हा या देशाचा सन्मान आहे। मोदीजी हे त्या ठिकाणी निमित्त आहेत, सन्मान तर भारताचा होतो आहे। 15 वेळा जेव्हा संसदेमध्ये पॅक्ट असलेली संसद उभं राहून टाळ्या वाजवते त्यावेळी भारताचा सन्मान होतो। भारत माता की अभियान सुरू केलंय। संपूर्ण देशामध्ये मोदीजींना 9 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने संपर्क फॉर समर्थन असं आमचं अभियान आहे। या अभियानाच्या अंतर्गत समाजातल्या विविध लोकांकडे जाऊन मोदीजींनी 9 वर्षात जे काम केलं आहे त्याची माहिती आम्ही देतो आहोत आणि पुन्हा एकदा त्यांचं समर्थन प्राप्त करतो आहोत। भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा या निमित्ताने जनतेपर्यंत जातो आहे। साधारणपणे एकदा निवडून दिल्यानंतर पुन्हा जनतेच्या प्रति उत्तरदायी लोक असत नाहीत, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आपण केलेलं कार्य लोकांपर्यंत पोचवून आपलं उत्तरदायित्व सिद्ध करून आणि त्यानंतरच पुन्हा मतं मागण्याची एक सवय आहे, त्यानुसार मोदीजींचं कार्य घेऊन आम्ही चाललो। सौमया करियर इंस्टीट्यूट, 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल, पुणे नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की।
हमें सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहाँ अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 9271526128 या 9168901429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वड़गांव वार्ड, चंद्रपुर। जलापूर्ति योजना के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ नगर निगम के विभिन्न दलों के साथ साथ स्वतंत्र नगर सेवकों ने एकजुट होकर 26 जून को महानगर पालिका के सामने कर्मचारियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बड़े पैमाने पर जनता का भी समर्थन मिला। नगर निगम प्रशासन ने पूरी जलापूर्ति योजना ठेकेदार को देने का निर्णय लिया और ठेकेदार नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की। ये गलत तरीके से जलापूर्ति योजना का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। 19 जून को 10 पूर्व नगर सेवकों ने एकजुट होकर मनपा उपायुक्त अशोक गराटे को पत्र दिया। फिर 21 जून को मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने कुछ मीडिया के साथ साथ पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख को लिखित जवाब भेजा। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि जलापूर्ति योजना के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया कि मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ही चंद्रपुर शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आम सभा में सर्वसम्मति से जलापूर्ति योजना का ठेका रद्द कर नगर निगम योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 1 मार्च 2019 को हुई स्थायी समिति की बैठक में आदेश 139 के तहत जलापूर्ति योजना के कार्य के लिए मानव संसाधन उपलब्ध के कार्य को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के मुताबिक 2019 में एक एजेंसी को 11 महीने के लिए ऑफिशियल ऑफलाइन मैन पावर सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। करीब 11 महीने बाद मैन पावर सप्लाई कार्य के लिए दोबारा ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया, मगर इसमें कहीं भी पानी पुरवठा करने के लिए निविदा सूचना ऐसा उल्लेख नहीं था, जबकि नए टेंडर में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। विवादित टेंडर में ठेकेदार द्वारा सभी मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के संबंध में विस्तृत लिखित निर्देश दिए गए। देशमुख ने प्रेस माध्यम से यह भी कहा कि नगर निगम प्रशासन गुप्त तरीके से पूरी जलापूर्ति योजना को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान 50 से अधिक नगर सेवक और विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से पप्पू देशमुख, सचिन भोयर, राजेंद्र वैद्य, अशोक नाकापुरे, आकाश साखरकर, दीपक जायसवाल और महिला नगर सेवकों का समावेश था। लोकांनी निवडून दिलेल्या नगर सेवक सन्माननीय नगर सेवकाची महासभा अस्तित्वात असताना व स्थायी समिती अस्तित्वात असताना पाणी पुरवठ्याचे कंत्राट सर्वानुमते सर्वपक्षीय नगर सेवकांनी रद्द करून स्वतः महानगरपालिकेने पाणी पुरवठा यंत्रणा चालविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता, परंतु सध्या ज्यांना आम्ही चौकीदार म्हणून निवडणूक झालेली नसल्यामुळे बसवलेला आहे अशा मनपा प्रशासनाने हा निर्णय बदलून छुट्या मार्गाने आड मार्गाने संपूर्ण पाणी पुरवठ्याची योजना चालविण्याचे कंत्राट काढलेले आहे, निविदा काढलेली आहे। ही निविदा तातडीने रद्द करावी। पाणी पुरवठ्याची योजना फक्त मनपा प्रशासनाने चालवली पाहिजे, अन्यथा शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागते आणि कोणी दखलही घेत नाही, कंत्राटदार मुजुरी करतात, त्यामुळे पाणी पुरवठ्याचा जो सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांनी या ठिकाणी आज आंदोलन पुकारले आहे आणि जर या आंदोलनाची दखल घेऊन मनपाने पाणी पुरवठा योजना स्वतः चालवण्याचा निर्णय नाही घेतला तर चंद्रपूर शहरातील सर्व नागरिकांच्या सह मनपाचे माजी सर्वपक्षीय नगरसेवक मोठं जनआंदोलन उभं करेल या असा इशारा आम्ही मनपाच्या प्रशासनाला देत आहोत। महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक राज असल्यामुळे चंद्रपूर महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेचं खासगीकरण माननीय आयुक्त यांनी करण्याचं ठरवलेलं आहे। प्रत्यक्षरित्या कंत्राटदार नेमून कंत्राटदाराच्या वतीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता कामगार नेमून चंद्रपुरांना परत त्रास देण्याचं काम आणि अनियमितता पाणीपुरवठा करण्याचं काम चंद्रपूर महानगरपालिका करणार आहे। मागील 10 वर्षांमध्ये जर बघितलं तर खाजगी पाणीपुरवठा योजना होती, ज्याच्यामुळे चंद्रपूरच्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास झाला, त्यांना पाणी मिळालेलं नाही। परत अशाच पद्धतीने जर चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्त पाण्याचं खाजगीकरण करून चंद्रपूरकरांना त्रास देत असेल, म्हणूनच या ठिकाणी सर्व माजी नगरसेवक जागरूक नागरिकांच्या वतीने या ठिकाणी निदर्शने आम्ही या ठिकाणी करत आहोत आणि जी अमृत योजना अजूनपर्यंत कार्यान्वित झाली नाही, त्या योजनेचं पूर्णपणे ट्रायल झालेलं नाही, त्याच योजनेचे लावलेली यंत्रसामग्री चालवण्याकरिता त्या कंत्राटी कामगार नेमणे हे एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे। या भ्रष्टाचाराचा आम्ही सर्व नगरसेवक विरोध करतो आणि येणाऱ्या काळात पाणीपुरवठ्याचं
खासगीकरण होऊ देणार नाही अशी चंद्रपूरकरांना ग्वाही देतो. MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल, 1 जूनियर कॉलेज, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम, 1 डी फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, 1 सोमया फिल्म्स और 1 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियो, 250 शिक्षक और 300 सहायक कर्मचारी का विशाल स्टाफ, 28 वर्षों से 30,000 से अधिक छात्रों को अपना उज्जवल करियर बनाने की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. यह संभव हुआ है आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन और MSPM ग्रुप के चेयरमैन श्री P.S. अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व से. हार्ड वर्क एंड परसीवरेंस विद द जेन्युइन एंड लॉजिकल अप्रोच ऑलवेज गेट्स यू टू योर ड्रीम पोजीशन. दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई मोटिवेट माय स्टूडेंट्स फॉर द सेम. और आइकॉन ऑफ विदर्भ एजुकेशन तथा MSPM ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री पीयूष अंबेडकर के भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ. छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए उन्हें नवीनतम तकनीक और सुविधाएं मिलनी चाहिए, यही मेरा दृष्टिकोण है. और प्रबंधन की सबसे प्रेरणादायक महिला श्रीमती अंकिता पीयूष अंबेडकर के साथ. मैं सही चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखने में विश्वास रखती हूँ. अब हमारी नीट, JEE और MHT CET की कोचिंग हमारे 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपके बच्चे को एक सफल डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए तैयार करके उनके भविष्य को सवारने के लिए तैयार है. सोमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 9271526128 या 9168901429. पता: सोमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर.